धन्यवाद महोदय और स्वागत उद्बोधन के बाद अब हम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आज छत्तीसगढ़ दिवस के इस आयोजन में मंच में विराजमान सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री अलभगन जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रेणु सेन जी, रेसिडेंस कमिश्नर श्रीमती श्रुति सिंह जी, हमारे सीपीआर रवि मित्तल जी, विश्वेश कुमार जी, विवेक आचार्य जी, मणि बासगन जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित पूरे देश भर के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथियों भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस छत्तीसगढ़ दिवस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का शानदार आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के लिए हमारे कलाकार भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि अभी 1 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाए हैं और छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे हुए हैं और हमारा प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।